अगर आपको प्रेशर कुकर के अंदर चिकन बनाना है ना, तो इस वीडियो को आप जरूर एंड तक देखना। मैं ना आज आपका सारा का सारा डर खत्म कर दूंगा और आपको एक ऐसी रेसिपी बताऊंगा जिससे प्रेशर कुकर के अंदर चिकन करी बनेगी इतनी ज़्यादा टेस्टी कि वो बचेगी नहीं। भाई साहब ध्यान रखना आप इस बात को मेरी, जितना भी बनाओगे सब की सब खत्म हो जाएगी। और इतनी सिंपल रेसिपी बताऊंगा ना मैं आज आपको कि अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो जी आप चिकन करी के मास्टर बन जाओगे। लोग पूछेंगे जी क्या सीक्रेट है, तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले जी प्रेशर कुकर के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे ऑयल। ये ऑयल जो है रिफाइंड ऑयल है और मैं आधा किलो चिकन से बना रहा हूँ। सबसे पहले जी मैं ऐड कर रहा हूँ खड़ी हुई सूखी लाल मिर्च, दो मैंने ऐड कर दी। उसके बाद जी मैं ऐड कर रहा हूँ एक चम्मच ज़ीरा, तो यहाँ पे ज़ीरा को हम चटकने देंगे। उसके बाद जी एक चम्मच सौंफ ऐड करेंगे, ये सौंफ बहुत ही अच्छा फ्लेवर दे देती है। ज़रा सा पकाना है जी खड़े मसालों को हमें। उसके बाद जी हम ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई प्याज। अब आप ये देखिए प्याज का पेस्ट ऐड नहीं करना है, अगर आप प्याज का पेस्ट ऐड कर देंगे तो आपको जी वो मज़ा नहीं आएगा। और मैं आपको सबसे अच्छी चिकन करी की रेसिपी बताऊंगा प्रेशर कुकर के अंदर, तो आपको जी कटे हुए प्याज का इस्तेमाल करना है। तो जी चार कटे हुए प्याज ले लिए हैं और साथ में लेना है आपको एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप जी एक किलो की रेसिपी बनाएंगे तो आपको छः प्याज लेनी पड़ेंगी और दो चम्मच लेना पड़ेगा जी अदरक लहसुन का पेस्ट। ज़रा सी देर हमें पकाना है इसे। उसके बाद जी हम ऐड कर देंगे लाल लाल टमाटर। अभी टमाटर जो मैं ऐड करूँगा उसके पहले मेरे को जितना भी जिंजर गार्लिक का कच्चापन रहता है ना, मतलब हल्का सा जो चिपकता है उसका पूरा पानी निकलता है, उसको अच्छे से निकाल दूंगा। उसके बाद जी टोमेटो उसको ऐड कर दूंगा। अच्छा जी टमाटर को हमें अच्छी तरीके से गला लेना है, मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 मिनट लगेंगे। अभी कोई भी पाउडर वाले मसाले ऐड नहीं करने, बस जी अब आप चिकन ऐड कर दो। तो ये जी बड़े बड़े लेग पीस देख रहे हो ना, यही वाले स्टार्टिंग में दिखाए थे मैंने आपको और ये इतने ज़्यादा बढ़िया तरीके से पक चुके थे ना। अच्छा जी अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मसाले ऐड करते हैं जी। लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, पिसा हुआ धनिया का पाउडर 1.5 चम्मच। अच्छा जी अब आपको ऐड करनी है हल्दी। हल्दी लेकिन ऐड करेंगे हम कम, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। हल्दी आपको कितनी ऐड करनी है, मुश्किल से मुश्किल 1/2 चम्मच। ज़्यादा हल्दी ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हमें ऐड करना नमक। तो जी यहाँ पे मैंने 1 चम्मच से हल्का सा कम जो है नमक ऐड किया है। उसके बाद अब आपको दिक्कत आएगी जी चलाने में, तो आप 1/2 कप पानी ऐड कर देना। अच्छा ये 1/2 बोल है, वैसे कप भी नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि जी अब आपको दिक्कत होगी ज़रा सी बस, लेकिन वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगी जब आप 1 चम्मच मीठा दही फिटा हुआ अच्छे से, फिटा यानी कि अच्छे से फेंट लिया, उसको बीट कर लिया है, जिससे जो कि लम्स आते हैं ना, हल्की सी जो गुटलियाँ आती हैं वो हट जाएगी जी और आपकी ग्रेवी बिल्कुल सिल्की स्मूथ बनेगी। उसके बाद जी आप आराम से चिकन को चलाइएगा, ज़रा सा भी बिल्कुल नहीं चिपकेगा। अच्छा आपको 5 मिनट पकाना है। उसके बाद जी प्रेशर कुकर की सीटी लगा लीजिए। अब मेरी बात आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, प्रेशर कुकर जब भी हम लगाते हैं तो जी हाई फ्लेम पे, आप टाइम नोट कर लीजिए या सीटी नोट कर लीजिए, आपको 10 मिनट में 2 सीटी आ जाएंगी आराम से, ठीक है जी। उसके बाद जी प्रेशर कुकर को धीमी आंच पे कर दीजिए, बिल्कुल 5 मिनट के लिए आप उसको गैस पे चढ़ा रहने दीजिए। उसके बाद गैस बंद करके कुकर को साइड में रख देना है, गैस पे नहीं रखा रहने देना है, वरना वो तो गर्म होता जाएगा ना, तो साइड में रख देंगे और कुकर को अपने आप 15 मिनट ठंडा होने दीजिए और आपका चिकन बिल्कुल कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखिए आप चिकन बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुका है, ज़्यादा नहीं पका है, थोड़े से मसाले बताऊंगा वो और ऐड कर दीजिए। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच चिकन करी पाउडर और जी 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी और जी धनिया तो ऐड करना ही है, आप चाहो तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। इसको जी अच्छे तरीके से आपको कर देना है मिक्स। ये देखिए आप चिकन की ग्रेवी, चिकन बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुका है और यहाँ पे आपकी चिकन करी प्रेशर कुकर वाली बिल्कुल बनके तैयार है। अच्छा ये एक चीज़ बताओ, बहुत ही इजी था ना इसे बनाना। अच्छा ये देखो आप चिकन कितनी अच्छी तरीके से गला हुआ है, बिल्कुल स्मूथ पीसेस हैं जी। आप खाओगे ना आपको लगेगा कि शेफ़ अमन ने क्या रेसिपी बताई है, और अमन किचन छोड़ के तो जी मैं कहीं जाऊँगा नहीं, उसी की रेसिपी देखूँगा। तो इसको जी आप घर पे बनाइए, फैमिली के साथ एंजॉय करिए और मैं आपके लिए नई रेसिपी लेके आता रहूँगा। तो वीडियो पे लाइक और चैनल पे सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ ज़रूर दबाइएगा। हम फिर मिलते हैं नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।